दी तुहानू मिलणी दा मतलब बड़ा स्पष्ट आ कि पिछले दिन ही जेलां दे विच दो मौतां अहम मौतां होईयां ने, महेंद्रपाल बिट्टू ते दूसरा गुरपिंदर सिंह। एक दा संबंध जिहड़ा हैगा पंजाब विच होई 2015 बेअदबी नाल जुड़दा गा, दूसरे बंदे दा संबंध जिहड़ा हैगा पंजाब विच फैले ड्रग नाल मिलदा गा, पंजाब विच फैले नशे नाल मिलदा है, पंजाब विच फैले नशा तस्करी नाल मिलदा गा। सब तो अहम गल आ कि एक 29 साल का नौजवान, एक 29 साल का नौजवान जिहड़ा व्यक्ति आ उहदी पंजाब सरकार दे अधिकारी पुष्टि करदे ने कि उहदी मौत शूगर नाल होई आ, शूगर वध गया ते ब्लड प्रैशर वध गया। सो बड़ी मैं समझदा हैरानी वाली गल आ कि 29 साल का व्यक्ति जी दो दिन पहला जी मैं समझदा गा हिरासत च लिया होवे और दो दिन बाद उहदी मौत हो जाए और उहदे कोलों 2700 करोड़ रुपए के ड्रग मिले होण, बहुत वड्डी गल आ 2700 करोड़ रुपए के ड्रग मिलना। और 2700 करोड़ एक अहम मतलब कड़ी जुड़ती है, कितना कितने जी वड्डी मच्छी सी इहदे पिछे वड्डे वड्डे मगरमच्छ होर नेगे। पंजाब सरकार दे वो जिहड़ा नशा तस्कर लोग ने पंजाब सरकार दे अधिकारियों नाल मिले हुए ने, पंजाब सरकार नाल मिले हुए नेगे, कांग्रेस पार्टी नाल मिले हुए ने, मैं समझदा कि उहनां नूं डर पैदा हो गया कि हुण जिहड़ी सूई आ साडे तक आऊगी। उन्होंने उस व्यक्ति का मैं समझदा मर्डर करवाता, उस व्यक्ति का मर्डर जेल में होया गा। इहदियां एजेंसियां पंजाब दी एजेंसियां हिंदुस्तान दी एजेंसियां खास तौर पर नरकोटिक कंट्रोल ब्यूरो जिहड़ा हैगा बोर्ड आ, वो मंग कर रहा कि जिहड़ी इहदी जांच होनी चाहिए क्योंकि बहुत वड्डा मामला गा और व्यक्ति का मर जाना। और इस तो पहला महेंद्रपाल बिट्टू का और दो अहम जिहड़ियां मौतां जेलां विच होईयां ने बहुत वड्डे सवाल जिहड़े हैगे ने पंजाब सरकार ते खड़े कर दिए ने। खास तौर पर महेंद्रपाल बिट्टू जिहदा बेअदबी नाल जुड़िया होया मामला गा पंजाब का, वो एक बहुत वड्डा सबूत, मैं कहना बहुत वड्डा सबूत पंजाब सरकार दे, पंजाब पुलिस दे गैंगस्टर जिहड़े जेलां विच बैठे नेगे उन्हां गैंगस्टरां नूं मारिया गया, ताकि पंजाब पुलिस या एसटीएफ एसआईटी या सीबीआई उस जगह पर ना पहुँच सके जिहड़े मेन दोषी ने, उन्होंने बचाने के लिए मर्डर होया गया। और दूजा मर्डर जिहड़ा गुरपिंदर का, मैं समझदा वड्डे वड्डे ड्रग लॉर्ड जिहड़े हैगे ने पंजाब विच बैठे उन्होंने बचाने को लैके होया। मैं इस ते पंजाब सरकार तो मंग करदा कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज तो, हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी हेठ एक एसटीएफ के मुखी हरप्रीत सिंह द्वारा बड़ी अहम जांच होनी चाहिए और पता लगना चाहिए पंजाब के लोगों को कि जो दो मौतें हुई ने क्यों तो किवें हुई ने, कि इन संबंध गुरु ग्रंथ साहिब बेअदबी और दूजा जिहड़ा है पंजाब ड्रग के नशे को लैके आ। इस तो अलावा पंजाब घग्गर दरिया खास तौर पर पंजाब का जिला संगरूर मानसा बठिंडा जो जुड़ता गा उत्ते उन्हें अहम तबाही मचाई हुई है, बहुत वड्डी पद्धर से घग्गर ने इत्थे तबाही मचाई हुई है। लगातार 5-6 दिन हो गए पंजाब सरकार तो एक छोटा जा बन लग रहा, एक छोटा जा पहाड़ पूरा नहीं हो रहा, लगातार अधिकारी उत्थे बैठे नेगे और पंजाब सरकार ये कह रही आ, कैप्टन साहब ये कह रहे नेगे कि इस दे पिछे हरियाणे का हाथ आ। 6 दिन बाद इन्हां नूं पता लगना भी हरियाणे का हाथ आ, जबकि पंजाब सरकार के जिहड़े अधिकारी ने बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, पंजाब सरकार बिल्कुल झूठ बोल रही है। ये जिहड़ा मामला गा सुप्रीम कोर्ट च पेंडिंग पिया गा, सुप्रीम कोर्ट के पंजाब सरकार के अधिकारी जिहड़े हैगे ने बिल्कुल सही ढंग नाल केस नहीं लड़ रहे, उत्थे कुछ नहीं कर रहे और हरियाणा ने स्टे ली हुई आ, जबकि 22 किलोमीटर का स्ट्रैच जिहड़ा हैगा 22 किलोमीटर स्ट्रैच बिल्कुल सीधा बन गया और उत्थे कोई पानी की प्रॉब्लम नहीं होती। जिहड़ा अगला 17 किलोमीटर का स्ट्रैच आ वो उत्ते हरियाणा सरकार ने स्टे ली है, पर लेकिन पंजाब सरकार के अधिकारी उत्थे जाके बिल्कुल झूठ बोलते हैं, कोई उत्थे पैरवी नहीं कर रहे। यही कारण है कि हरेक साल घग्गर चाहे इधरले पासे घग्गर के सज्जे पासे चाहे घग्गर के खब्बे पासे हरेक साल तबाही मचाउंदा और हज़ारा एकड़ जिहड़ी जमीन आ लोगों की तबाह हो जाती है, फसल तबाह हो जाती है। मेरी पंजाब सरकार तो मंग है कि स्पैशल गिरदावरी करा के 100% मुआवजा किसानों को दिता जाए। इस तो बिना अगली गल जी सामने आ रही है कि सिटी घोटाला जिहड़ा लुधियाने का गा, सिटी स्कैम जिहड़ा होया लुधियाने दे विच, उहदियां फाइलों का गुम हो जाना, उहदियां अहम फाइलों जिहड़ियां हैगियां नेगियां जिहड़ियां कैप्टन साहब नूं सीधे रिलेट करदियां ने, कैप्टन साहब नूं जुड़ियां होईयां फाइलों ने, उन्हां फाइलों का गुम हो जाना बहुत वड्डी मैं समझदा पंजाब सरकार की नलायकी आ। पंजाब सरकार के अधिकारियों ने, पंजाब सरकार के जिहड़े व्यक्ति ने, कैप्टन साहब खुद मैं कहना जिम्मेवार ने कि उन्होंने संबंधित फाइलों का गुम हो जाना और उही फाइलों जिहड़ियां पंजाब सरकार जिहड़ियां कोर्ट दे विच पेंडिंग पईयां ने उन्हां दा गुम हो जाना बहुत वड्डा सवालिया निशान हैगा। सो मैं समझदा कैप्टन साहब नूं एक सीनियर अधिकारी दे तहत सिट बना के जांच करनी चाहिए कि फाइलों गुम क्यों हो जाने। देखो कैप्टन साहब का सिद्धू साहब नाल पावर की लड़ाई का विवाद आ, उस पावर की लड़ाई के सिद्धू साहब हार गए, एक बहुत वड्डे साजिश का शिकार हो गए, बड़ी लंबे अरसे साजिश घड़ी जा रही सिद्धू साहब के खिलाफ। उसका कारण बड़ा स्पष्ट आ कि नवजोत सिंह सिद्धू ने विधानसभा के अंदर विधानसभा के बाहर बादलों के खिलाफ जो बोलना शुरू किया, उस समय जो है बादलों को बचाने के लिए कैप्टन साहब अगे आ गए और उन्होंने उस साजिश के तहत साजिश रच के उन्होंने बाहर कढ़िया गया। देखो आम आदमी पार्टी पंजाब दे विच तीजी धिर उभरी हुई है,
2017 2014 च पहली बार आम आदमी पार्टी ने इतने इलैक्शन लड़ी और चार पार्लीमेंट सीटा जितिया और 2017 के पहली बार जी है असैम्बली इलैक्शन लड़ी और 20 सीटा एम एल ए जितिया। सो मैं समझना आम आदमी पार्टी तीजी दिन पंजाब खड़ी हैगी और जेकर नवजोत सिंह सिद्धू साड़ी पार्टी चाहते तो उन्होंने वेलकम होगा। देखो जी सी बी आई की क्लोजर रिपोर्ट आ बड़ी अहम रिपोर्ट से वह मैं समझता भी जाण बुझ के अकाली दल बीजेपी की सरकार आ सेंटर के सुखबीर सिंह बादल ने जाण बुझ के रिपोर्ट उत्ते क्लोज करवाई आ उस रिपोर्ट को अगे नहीं बदल दिता गया उत्ते जांच में अगे नहीं बदल दिता गया इसलिए सीधे सीधे जिहड़े हैगे सुखबीर सिंह बादल दोषी ने गे क्योंकि सेंटर के उन्होंने आपकी सरकार आ गई। मैं समझना जिहड़ा पंजाब दे सिट काम कर रही आ उस सिट की जांच नूं प्रभावित करन दे लई क्लोजर रिपोर्ट दी गई है ताकि दो रिपोर्टा जो कोर्ट च पेश होणगीआं तां बेनीफिट डाउट जिहड़ा हैगा जिहड़ा बेनीफिट डाउट हैगा वह दोषियों नूं जाऊगा जिहड़े फड़े जाणगे उन्हां नूं पहलां ही एक राहत दी जा रही है ताकि तुसीं तुहाडे जेकर केस भी चले तां वी तुसीं बरी होवो। सो मैं शुरू तों ही कहिंदा आ रहा कि सुखबीर सिंह बादल प्रकाश सिंह बादल श्रोमणी अकाली दल जिन्ने भी नेता हैगे ने उन्हां नूं बचाउण दे लई कैप्टन साहब हमेशा ही एविडेंस डिस्ट्रॉय करते हैं गवाहियों को तबाह करते हैं उस तहत जोड़ा है फाइलों का गुम हो जाना उस तरह क्लोजर रिपोर्ट आ जानी उस तरह दो व्यक्तियों का मारे जाना यह सारे कोरलेट कर दें सारिया गल्ला महेंद्रपाल बिट्टू का मारे जाना अजक गुरपिंदर सिंह का मारे जाना। सो मैं समझता भी कैप्टन साहब जिन्होंने बेअदबी की है उन्होंने बचा रहे हैं कैप्टन साहब जोड़े पंजाब नशे बेचते हैं उन्होंने बचा रहे हैं। देखो लुधियाने बैन लाया गया कल्ला लुधियाना नहीं पंजाब जिन्निया भी फैक्ट्रियां नेगियां जिहड़ियां भी गंदा पानी पैदा करदियां नेगियां उन्हां दा चैकअप होना चाहिए पंजाब खास तौर पर। मैं देखा संगरूर दे विच KRBL कंपनियां एक उहदा बहुत बड़ा प्रोजैक्ट आ उत्थे भी एक होर अकलैरिक आ उत्थे भी बहुत सारिया जिहड़ियां फैक्ट्रियां ने सीधा पानी गंदा पानी सीधा धरती सुटदियां ने उहदे नाल जिहड़ा मैं समझदा हैपेटाइटिस सी कैंसर वर्गियां भयानक बीमारियां फैलदियां ते बड़ी छोटी जी कार्रवाई आ बहुत वड्डी कार्रवाई जिहड़ी हैगी प्रदूषण कंट्रोल नूं करनी चाहीदी आ। देखो जेलों के मैं समझता गैंगस्टर जेलों के काम कर रहे हैं गैंगस्टर जोड़े है जेलों चला रहे हैं जिन्हों मरवा हों जिन्हों बचा हों जिन्हों चंगी सहूलत देनिया होंगे ने गियाँ वो चंगी सहूलत मिल जाएं नेगिया जिन्होंने मरवा हों सरकार मरवा दें। सो मैं समझना एक बड़ा सीरीयस इशू आ रंधावा साहब तो महकमा कंट्रोल नहीं हो रहा उन्होंने चल रहा उन्होंने स्टैप डाउन करना चाहिए अस्तीफा देना चाहिए क्योंकि जदों के उन्होंने मंत्रीशिप संभाली है लगातार कदे मौत होगी कदे लड़ाई होगी कदे मोबाइल मिल गए कदे जहरीले पदार्थ मिल गए कदे ड्रग मिल गया लगातार इस तरह की गल्लां जिहड़ियां हैगियां सानूं देखण नूं जेलां च मिल रही ने। देखो गुरु नानक जो थर्मल प्लांट बंद कर जा रही है सरकार उन्होंने बेचण जा रही है सरकार मैं समझता कि 550 जो गुरपुरब असी मना रहे हैं वो बहुत बड़ा सरकार एक धब्बा ला रही है क्योंकि 550 गुरपुरब आ रहा उत्थे गुरु नानक देव का संबंधित जो थर्मल प्लांट बेचा जा रहा है और जबकि जो जमीन अक्वायर हुई थी जिहड़ा एक्ट आ कहिंदा जदों जमीन अक्वायर हुंदी आ जेकर उहदा मकसद पूरा ना होवे मकसद खत्म होवे तां उह जिहड़ी जमीन आ उह किसानां नूं वापस करनी हुंदी आ। सो मैं समझदा जिहड़ी जमीन आ सरकार किसानां नूं वापस के जिन्हां किसानां तों अक्वायर कीती गई सी। जिहड़ा थर्मल गुरु नानक थर्मल प्लांट बठिंडा लग्या होया सीगा सरकार अज उहनूं बेचण दी गल कर रही आ मैं समझदा सरकार नूं उह प्लांट जिहड़ा हैगा 2031 तक चलाना चाहिए क्योंकि 2031 तक उसकी म्याद है कि सरकार ने 715 करोड़ रुपए 4 साल पहले उसके खर्चे ने और उसकी म्याद सी जिहड़ी काम करन दी 2031 तक उसे फुल स्विंग च काम कर देना चाहिए तो फुल स्विंग च काम लेना चाहिए और मैं समझता सरकार जानबूझ के जिहड़ी प्राइवेट कंपनियां जिहड़ी प्राइवेट कंपनियां तो जमीन बिजली खरीद रही ने उन्होंने लाभ पहुँचाने के लिए जिहड़ा थर्मल प्लांट बंद कर रहे हैं कि जबकि 2031 तक उसकी म्याद हैगी 2031 तक चलना चाहिए उस तो बाद देखा जाएगा। सो कितना कितने सुखबीर सिंह बादल ने जिहड़ियां कंपनियां समझौते किए थे प्राइवेट कंपनियां समझौते किए थे प्राइवेट कंपनी बिजली दी जाएगी कैप्टन साहब उस बिजली जिहड़ी माफिया गा कैप्टन साहब उस बिजली माफिया के मुखी हुण बने हुए हैं कि पहला सुखबीर सिंह बादल उस मुखी उस माफिया के मुखी से हुण कैप्टन साहब उस माफिया के मुखी ने। देखो एक पासे
550 प्रकाश पर्व पंजाब सरकार मना रही है, सेंटर सरकार मना रही है, बहुत बड़े पद्धर से ऐलान हो रहे हैं, बहुत बड़े पद्धर से डिवेलपमेंट की गल हो रही है। दूजे पास गुरु नानक देव जी के संबंधित थर्मल प्लांट बंद किया जा रहा, इस तो माड़ी गल की होगी पंजाब सरकार। सो मैं समझा पंजाब सरकार गुरु नानक देव जी 550 प्रकाश पर्व लैके राजनीति करनी है, यही गल नहीं करनी चाहिए सरकार। देखो मैं समझदा कि पंजाब सरकार जिहड़ी हैगी आ उह जाणबुझ के एक सोची समझी साजिश दे अधीन एक डीप रूट कंस्पिरेसी दे तहत पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड दे बच्चे ने जिहड़े पढ़ रहे ने उत्थे उन्हां दे रिजल्ट नूं उल्ट फेर कर रही है, उन्हां दे जेकर उन्हां नूं 50 नंबर आए ने तां उहदे 70 बना के पेश किए जा रहे ने। सो मैं समझदा कि विद्यार्थियों के जिहड़े भविख नाल खिलवाड़ किया जा रहा और एक बहुत वड्डी कंस्पिरेसी उन्हां बच्चों के खिलाफ हो रही है और पंजाब सरकार खास तौर साडे सिक्ख्या मंत्री जाणबुझ के इस तरह की कंस्पिरेसी कर रहे हैं तां कि साडे बच्चे अगे जाके किसी कंपीटीशन दे लायक ना रहन, किसी कंपीटीशन पास ना कर सकन, उन्होंने अपना मुलंकण ना पता लगे कि असं कितने खड़े हैं कितने नहीं खड़े, बच्चे उद तक नहीं पता लग सकता जब तक उन्होंने पता नहीं है मेरे नंबर किन्ने ने। सो मैं समझदा पंजाब सरकार जाणबुझ के एक सोची समझी नीति दे अधीन एक सोची समझी चाल दे अधीन पंजाब सरकार अपने साडे पंजाब दे बच्चों का भविष्य तबाह कर रही है।